नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों ये एक ऐसा खतरनाक सिस्टम है लोगों की नज़र में, जिसमें कि आने वाले हर 100 में से 95% व्यक्ति असफल रह जाते हैं। दोस्तों कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल होता है या असफल होता है उसके पीछे डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति ने उस कार्य को करने के लिए जो है एक्शन प्लान क्या बनाया था, उस व्यक्ति की रणनीतियाँ क्या थी कि मैं किन रणनीतियों के तहत किस एक्शन प्लान के तहत इस कार्य को पूरा करूंगा, राइट। अब मैंने देखा है 95% वह व्यक्ति जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में असफल रह जाते हैं, वह लोग कहीं ना कहीं शुरुआत में जो उनको एक्शन प्लान बनाना चाहिए वो नहीं बनाते, या फिर उनके अपलाइन भी उनका रोड मैप बनाकर नहीं देते, जिसकी वजह से वह व्यक्ति लाइफ में असफल हो जाते हैं, राइट। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप शुरुआत के 3 महीने का अपना एक्शन प्लान खुद ही बना सकेंगे, राइट। तो ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, आप अपना वाई क्लियर कीजिए। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप आएंगे तो आपको हर दूसरा व्यक्ति यही बोलेगा कि आप अपना वाई क्लियर कीजिए, राइट। आप डिसाइड कीजिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए। और मैंने देखा है कि ज़्यादातर व्यक्ति क्या करते हैं कि जो सपने दूसरे व्यक्तियों के होते हैं, जो अपने कारण दूसरे व्यक्ति बताते हैं, वही कारण व्यक्ति खुद भी बताने लगता है कि हाँ मैं भी इसीलिए आया, राइट। जबकि व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता, राइट। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप किसी का कॉपी पेस्ट मत कीजिए, राइट। आपका जो एक्चुअल वाई है और जो आपका एक्चुअल टारगेट है नेटवर्क मार्केटिंग से अचीव करने का, आप उस पर फोकस कीजिए। आप क्यों आए ये आप खुद अपने आप से पूछिए। आप इस बात पर आत्ममंथन कीजिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए क्यों थे। ऐसा तो नहीं था कि किसी फ्रेंड ने ज़बरदस्ती आपको जोड़ दिया और ज़बरदस्ती जोड़ने के बाद उस व्यक्ति ने आपको किसी सेमिनार में बिठाया और आपने देखा कि उस सेमिनार में हर व्यक्ति कह रहा है मैं अपने सपने पूरे करना चाहता हूँ, मैं अपने सपने पूरे करना चाहता हूँ, मैं अपना लग्जरी कार लेना चाहता हूँ, मैं अपना लग्जरी हाउस लेना चाहता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों की देखा देखी आपने भी लोगों से बोल दिया कि यस मैं भी अपने सपनों की दुनिया को हकीकत बनाना चाहता हूँ इसलिए मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया। दोस्तों याद रखिए, यदि आप किसी और व्यक्ति की बातों को सुनकर खुद भी वही बातें बोलने लगते हैं, खासकर वाई के मामले में, तो कहीं ना कहीं आप अपनी अपलाइन को और खुद को और इस नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को धोखा देते हैं। आप अपने वाई को मार चुके हैं, इसीलिए आपके ज़्यादातर सपने नेटवर्क मार्केटिंग में अधूरे रह जाते हैं और एक वक्त के बाद आपको ऐसा लगता है कि इस सिस्टम में कुछ नहीं है और आप नेटवर्क मार्केटिंग को क्विट कर देते हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों, यदि आपने आज से नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट किया है तो आपको कम से कम 3 महीने तक कोशिश करना है, जितना पॉसिबल हो अपनी कंपनी के आपको सभी इवेंट को अटेंड करना है, चाहे कोई वर्कशॉप हो चाहे कोई सेमिनार हो। कोशिश कीजिए जितना पॉसिबल हो आप अपनी अपलाइन के साथ 1-to-1 मीटिंग, राउंड टेबल ट्रेनिंग में या ग्रुप मीटिंग में बैठिए, राइट। उससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कहाँ से प्लान को शुरू किया जाता है और कहाँ से प्लान को एंड किया जाता है, कैसे किसी व्यक्ति का फॉलोअप लिया जाता है और कैसे किसी व्यक्ति की क्लोजिंग की जाती है, राइट। कैसे किसी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया जाता है और कैसे आपको मार्केटिंग प्लान के फीचर को किसी नए व्यक्ति को समझाना है, राइट। तो जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं तो 3 महीने, खासकर शुरुआत के 3 महीनों में, जितना पॉसिबल हो उतना आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंपनी के ट्रेनिंग का मीटिंग का पार्ट बनिए, कंपनी के ट्रेनिंग मीटिंग का हिस्सा बनिए। क्योंकि यदि आपने शुरुआत में खुद को सिखा लिया कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसको कैसे किया जाता है, तो आप यकीन मानिए अगले 3 साल तक आपको कोई नेटवर्क मार्केटिंग से हिलाने वाला मिलेगा नहीं, राइट। लेकिन यदि आपने खुद ही नहीं सीखा, आप यदि आज आपने ज्वाइन किया और आप चाह रहे कि आप दूसरे दिन से नेटवर्क मार्केटिंग को करने लगें, सीखने पर फोकस ना करें, तो याद रखिए बिना सीखे तो आप साइकिल भी नहीं चला सकते, ये तो फिर भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, एक बहुत बड़ा एम्पायर है, राइट। तीसरा पॉइंट दोस्तों, जब भी आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में आते तो याद रखिए नेटवर्क मार्केटिंग को या तो आप पार्ट टाइम कर सकते हैं या फिर आप फुल टाइम कर सकते हैं, कभी भी आप सम टाइम नहीं कर सकते, राइट। यानी कहने का मतलब है कि यदि आपके दिल में ऐसा है कुछ कि मैं महीने में एक दिन आऊँगा, जब मेरा दिल करेगा मैं तब आऊँगा, जब मेरा दिल करेगा तब मैं किसी व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताऊँगा, या जब मैं एकदम सब कुछ काम निपटा लूँगा, जब मैं एकदम फ्री हो जाऊँगा उस वक्त मैं किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट समझाऊँगा, राइट, तो आप यकीन मानिए अपना और अपने अपलाइन का और उस कंपनी का वक्त बर्बाद करने से ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहे, राइट। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो या तो आप काम को फुल टाइम कीजिए या फिर आप काम को पार्ट टाइम कीजिए, सम टाइम का कोई ऑप्शन मत रखिए, राइट। यदि सम टाइम आपको करना है तो इससे बेहतर आप करें ना, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो टाइम आप यहाँ लगाने वाले थे ना उस टाइम का आप कहीं और लगाइए तो हो सकता है रिजल्ट आपको मिल जाए,
राइट। आप पार्ट टाइम में भी यदि आप करते हैं तो उसका सही तरीका क्या है कि डेली आपको 3 महीने तक कम से कम डेली आपको कम से कम में 3 घंटे डेली 3 घंटे कमिटमेंट के साथ काम करना है। अब उस 3 घंटे में क्या करना है, आप किसी व्यक्ति को इनवाइट कर सकते हैं, आप उस व्यक्ति को कंपनी की डिटेल सेंड कर सकते हैं, उस व्यक्ति को प्रोडक्ट समझा सकते हैं, और अगर किसी का ऑर्डर आया आपके पास तो उसी 3 घंटे में आप किसी व्यक्ति को ऑर्डर देने भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका शेड्यूल क्या बन रहा है, लेकिन 3 घंटे का मतलब है कि 3 महीने तक डेली 3 घंटे आपको देने हैं। इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु कोई भी बीच में बात नहीं आनी चाहिए, किसी भी और विचार के लिए आपके माइंड में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, मास्टर बने। दोस्तों इस जीवन के किसी भी कर्म क्षेत्र में यदि आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले तो आप जिस काम में सफलता पाना चाहते हैं, जिस बिजनेस में आप सफल होना चाहते हैं, जिस इंडस्ट्री में आप अपना नाम कमाना चाहते हैं, आपको उस बिजनेस का, उस इंडस्ट्री का, उस काम का मास्टर बनना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलता है तो वह व्यक्ति परफॉर्मेंस से ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करता है। आप कभी भी देखिए वह व्यक्ति जो कि आज के टाइम में वर्ल्ड का नंबर वन बैट्समैन है, वह व्यक्ति भी जब परफॉर्म करने के लिए जाता है उससे पहले परफॉर्मेंस से ज़्यादा टाइम वह व्यक्ति प्रैक्टिस में बिताता है, राइट। तो कहने का मतलब है कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करते हैं, मान के चलिए आपने आज से इस सिस्टम को स्टार्ट किया, तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्या है उसका मास्टर बनना पड़ेगा। आपको कंप्लीट सीखना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, इससे हम कैसे अमीर बन सकते हैं, और कितने लोगों ने वाकई अपने सपनों की दुनिया को हकीकत में बदला है। दूसरा, आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, उस कंपनी का प्रोफाइल क्या है, उस कंपनी का कंपनसेशन प्लान क्या है, आपको इन 3 चीज़ों पर भी मास्टरी करनी पड़ेगी, राइट। कहने का मतलब है कि आप जब मास्टरी करने पर आएंगे ना तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग, कंपनी प्रोफाइल, कंपनी प्रोडक्ट और कंपनी कंपनसेशन प्लान, इन 4 चीज़ों पर आपको मास्टरी करनी है, ताकि जब भी आप मार्केट में किसी व्यक्ति को प्लान देने जाएं या फिर आप 1-to-1 किसी व्यक्ति को मौखिक रूप से प्लान समझाएं तो आप किसी भी तरीके से उस व्यक्ति के आगे खुद को असहज महसूस ना करें, और वह व्यक्ति जो कि आपके सामने प्लान समझने के लिए खड़ा हो जाए वह व्यक्ति फॉर्म भरकर ही वापस जाए। पांचवा पॉइंट मेरे हिसाब से कि आपको डेली कम से कम 3 मीटिंग करनी है, राइट। 3 मीटिंग का मतलब है आप उन व्यक्ति को कॉल पर भी समझा सकते हो, आप उन व्यक्ति से 1-to-1 भी मिल सकते हो। मीटिंग का मतलब ये नहीं कि आप ज्वाइनिंग ही करें, मीटिंग आपकी प्रोडक्ट के लिए भी हो सकती है, राइट। मतलब कि क्या कारण है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका मिलना ज़रूरी है। कहने का मतलब है कि आप जब मीटिंग करेंगे ना तो कोई ना कोई रिजल्ट तो जरूर आएगा, और कोशिश कीजिए कि शुरुआत की जो 5 मीटिंग है उसमें आपका अपलाइन आपके साथ हो, और ये काम जो है आपको लगातार 3 महीने तक करना है। कहने का मतलब है कि 3 महीने में होते 90 दिन, और यदि आप डेली 3 लोगों को प्लान देते हैं तो आप कैलकुलेट कीजिए कि आप 3 महीने में कितने लोगों को प्लान दे देंगे, राइट। मैं गारंटी देता हूं कि जब आप 4th महीने के लास्ट में अपनी लिस्ट चेक करेंगे ना तो कम से कम नहीं आपके साथ कम से कम नहीं 10 व्यक्ति ऐसे होंगे जो कंधे से कंधा मिला के आपके साथ बिजनेस में आर पार करने के लिए तैयार होंगे। और याद रखिए नेटवर्क मार्केटिंग में 10 तो मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, अगर 2 व्यक्ति भी आपको ऐसे मिल जाए जो कि आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस बिजनेस में कुछ भी गुजरने को तैयार हो, तो याद रखिए आपके सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलने से इस दुनिया का कोई व्यक्ति भी नहीं रोक सकता, राइट। आठवां पॉइंट दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है कि मैंने आज किसी कंपनी को ज्वाइन किया और मान के चलिए मुझे पहले से किसी कंपनी का एक्सपीरियंस है, तो मैं क्या करता हूँ कि हाँ नेटवर्किंग को तो किया है मैंने, नेटवर्किंग को तो मैं जानता हूँ, तो मैं अपने अपलाइन के टच में रहना जो है वो खत्म कर देता हूँ, और यहीं से मेरी असफलता की शुरुआत होती है। दोस्तों आप भले ही किसी कंपनी में मास्टर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक आप अपनी इस इंडस्ट्री में किसी कंपनी के टॉपर रहे हो, किसी कंपनी में अचीवर रहे हो, किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में किसी नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो याद रखिए कम से कम 3 महीने तक आपको जितना पॉसिबल हो उतना अपलाइन के टच में रहना है, दिन में कम से कम 5 मिनट तो आपको बात करनी ही है, और कोशिश कीजिए कि अपलाइन का अपलाइन जितना पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो आप जितना ऊपर जा सकते हैं
उतना ऊपर से ऊपर लेवल के व्यक्ति से मिलिए, जितना पॉसिबल हो उतना ऐसे व्यक्तियों से मिलिए जिसने कि इस कंपनी में जिसमें कि आप काम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अचीवमेंट लियो। याद रखिए, यदि आपने शुरुआत के 3 महीने में खुद को ऐसे सिस्टम में ढाल लिया तो 4th महीने से आपकी हैबिट बन जाएगी। यदि कोई व्यक्ति आपको नहीं भी बोलेगा ना, तब भी आप सुबह फ़ोन करके अपने अपलाइन को बोलोगे कि सर आज ये प्रोग्राम है और आपको आना, राइट। और आपको अपलाइन को बुलाना नहीं बुलाना वो बात की बात है, यदि आप सुबह सुबह ये भी बोल देते हैं ना कि सर आज मैं 5 प्लान देने जा रहा हूँ, आप यकीन मानिए आपका अपलाइन ही आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक बन जा रहा है। 7वां पॉइंट, सही तरीके से एफर्ट कीजिए। दोस्तों मैं ऐसे बहुत सारे व्यक्ति को जानता हूँ जो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद जो उनका एफर्ट करने का तरीका होता है ना वो ऐसे होता है जैसे कि कोई मदारी खेल दिखा रहा हो। मैंने ऐसे बहुत सारी व्यक्तियों को देखा है जो कि पार्क में प्लान देना स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को देखा है मैंने जो कि बस स्टैंड पर प्लान देना स्टार्ट कर देते हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को देखा है जो कि रेलवे स्टेशन पर प्लान देना स्टार्ट कर देते हैं, और मैंने ऐसे बहुत से बड़े बड़े लीडरों को देखा है जो कि स्टेज पर चढ़कर ये बोलते हैं कि आप अपने प्लान को कहीं भी बता सकते हैं। दोस्तों मेरा ये मानना है कि यदि आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी कंपनी का स्टैंडर्ड बहुत हाई है और आप सामने वाले को भी ये दिखाना चाहते हैं, तो आप यदि किसी व्यक्ति से बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर या पार्क में मिलते हैं ना, तो आप उस व्यक्ति को प्रेजेंटेशन ना दें, राइट। क्योंकि वहाँ से क्या है कि आपकी कंपनी का जो इंप्रेशन है वह डाउन हो जाता है। हाँ, तब सवाल ये आता है कि तब हम उस टाइम पर क्या करें, आप उस व्यक्ति को इन्वाइट कर सकते हैं, आप उस व्यक्ति को इनवाइट करें, इनविटेशन प्रोसेस का पूरा इस्तेमाल करें, लेकिन वहाँ पर आप प्रेजेंटेशन का यूज़ ना करें। प्रेजेंटेशन का सही तरीका ये होता है कि आप व्यक्ति को ऑफिस में बुलाएं या फिर आप उसके घर जाएं या व्यक्ति आपके घर आए। उससे क्या होता है कि कम से कम 30 मिनट तक व्यक्ति फोकस करके सुन सकता है। और याद रखिए, अगर आपने फर्स्ट स्टेप में ही फोकस करके व्यक्ति को नहीं सुनाया अपना प्लान, तो व्यक्ति की कुछ भी समझ नहीं आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब हम किसी ओपन जगह पर अपना प्लान देते हैं, मान के चलिए हमने किसी बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर या पार्क में प्लान देना स्टार्ट किया, तो वहाँ पर हम तो प्लान दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, हमारा फोकस है, हमारा रिदम बना हुआ है, हम मास्टर हैं उस प्लान के, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है ना उसका ध्यान भटकता है। और याद रखिए, वह काम जो कि व्यक्ति फोकस के साथ नहीं करता, चाहे वो सुनना हो, पढ़ना हो या लिखना हो, कुछ भी हो, तो उस काम में व्यक्ति अपना 100% नहीं दे पाता। और जब कोई व्यक्ति 100% नहीं देता ना, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव नहीं आता, राइट। तो आप जो है नेटवर्क मार्केटिंग को नेटवर्क मार्केटिंग की तरह करें, और आप कोशिश करें कि जब भी किसी प्लान की आप प्रेजेंटेशन दें तो उस प्रेजेंटेशन के अनुकूल पहले माहौल बनाएं, उसके बाद आप प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करें। 8वां पॉइंट, कम से कम नहीं एक लेवल अचीव करें। दोस्तों कहते हैं मनी इज़ अ बिग मोटिवेशन, आप कितनी भी तालियां बजा लीजिए लेकिन फोकट में ताली बजाने वाला व्यक्ति किसी ना किसी मोड़ पर आकर डीमोटिवेट ज़रूर होता है, राइट। तो आप यदि एक लेवल अचीव करते हैं ना 3 महीने में, तो आपकी पॉकेट में कुछ ना कुछ अमाउंट आने लगेगा, और जब पैसा आपके पास आएगा ना, तो आप ऑटोमेटिक मोटिवेट होने लगेंगे। और ये मैंने कहा ना कि कम से कम आप एक लेवल को अचीव कीजिए, ये मैं मिनिमम बता, मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जब आप अपना 100% देंगे तो वहाँ पर आप कितने लेवल को अचीव कर सकते हैं, राइट। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन कम से कम जो है मिनिमम आप अपनी कंपनी का एक लेवल जरूर अचीव करें, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते जाते हैं ना अपने काम के साथ साथ, तो आपको मोटिवेशन भी मिलता है, और प्लस जो पैसा आता है ना, तो पैसा आपके मोटिवेशन को डबल कर देता है। 9वां और लास्ट पॉइंट, आप जो भी काम करते हैं, जो भी पूरे दिन में आपका कार्य होता है, उस कार्य को करने के बाद जब आप रात में घर पर आते हैं, तो आप आत्म मंथन जरूर कीजिए, राइट। आप एनालाइज कीजिए कि आपने पूरे दिन में ऐसा क्या किया जिससे कि आपकी सेल बढ़ी, जिससे कि आपकी प्रोग्रेस हुई, और आपने ऐसा क्या किया जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी कम हुई, राइट। एक्टिविटी से कोई फर्क नहीं पड़ता नेटवर्क मार्केटिंग में, आप एक दिन में चाहे 10 लोगों को प्लान दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि 10 में से ज्वाइन कितने लोगों ने किया, राइट। इसलिए जब आप आत्ममंथन करेंगे ना, तो आप ऐसे बहुत सारे पॉइंट खुद के अंदर से ही निकाल देंगे कि हाँ ये मेरी गलतियाँ थी, और उन गलतियों को आप भविष्य में सुधार लेंगे। और याद रखिए कि जितनी जल्दी आप, जितना पॉसिबल होगा ना, आप खुद पर काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप खुद को इम्प्रूव करेंगे, उतनी ही जल्दी आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अधिक से अधिक उन मित्रों में शेयर करें जो नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं। आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।